वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की नई टीम गठित हुई। वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सविता सिंह को अनुशासनहीनता के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने अपने कोर कमेटी के 9 सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके चांदनी श्रीवास्तव को पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की नवनियुक्त अध्यक्ष घोषित किया। वहीं मीना मुखर्जी एवं वंदना सेठ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सोनम द्विवेदी को महामंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान अन्य पदों पर भी सदस्य मनोनीत हुए। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की नवनियुक्त टीम ने पूरी निष्ठा के साथ मिलकर वाराणसी व्यापार मंडल के दिशा निर्देशों का पालन करने एवं व्यापारी हित की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया। आज की प्रेस वार्ता मुझे एकाएक पता लगा कि हमारा पूर्वांचल व्यापार मंडल जो मेरी शाखा है वो अनुशासनहीनता कर रही थी। उनके लिए 9 आदमी की कमेटी बनी थी एक जो लोगों की बात करती है। कल ये तय हुआ था कि इनकी अनुशासनहीनता पर इनको समझाया जाएगा, पर इसके पहले ही इन्होंने वाराणसी व्यापार मंडल छोड़ दिया। अब ये पूर्वांचल व्यापार मंडल की अध्यक्ष नहीं है, वो हमारी शाखा है, उसकी नई अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव को नियुक्त कर दिया गया है। और ये बगल में महामंत्री सोनम जी बैठी हैं, ये बगल में मीना जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ये बगल में उपाध्यक्ष वरिष्ठ हैं वंदना जी, और ये अब बीना जी हैं, इनको मंत्री बनाया गया है और आप ये मंत्री हैं, और उधर प्रीति जी बैठी हैं, इनको संगठन मंत्री बनाया गया है। ऐसी क्या बात हो गई कि आज जो है ये करना पड़ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अपने लोगों ने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है और हमेशा उनको सम्मान दिया है, और धरने से लेके प्रदर्शन से लेके अधिकारियों से उनका परिचय कराया। आज जो भी उस व्यापार मंडल की देन है ये वाराणसी व्यापार मंडल की देन है, अजीत सिंह बग्गा के साथ जुड़े व्यापारियों की देन है, संगठनों की देन है। और आज की तारीख में 13 शाखाएं मेरी चल रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार किसी भी जगह आप देख लेंगे, इतनी शाखा किसी की नहीं है। बग्गा जी सबसे मुख्य सवाल है कि आपकी संस्था ने लेडीजों को बहुत मान सम्मान आगे रहने का मौका दिया, लेकिन एक लेडीज आपके संस्था को छोड़ के जा रही है, इसका कारण क्या हुआ? उसका कारण यह है कि उसको हम लोगों ने सिखाया, बढ़ाया, इस लायक बना दिया। अब उनके अंदर ईगो मतलब अपनी महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है, वो सम्मान नहीं कर रही थी बड़े छोटे का, बिना पूछे सब कार्य कर रही थी। और हम लोग व्यापार मंडल के हैं, व्यापारी हैं, हम लोग के यहाँ जो महिलाएं जुड़ी हैं सब व्यापारी हैं, तो उनको हम लोगों को देख के चलना पड़ता है कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, जाना है तो कैसे बात करना है, ताकि सबका सम्मान बना रहे, क्योंकि सबके पीछे वाराणसी व्यापार मंडल का नाम और हमारे साथ जुड़े लोगों का नाम और अजीत सिंह बग्गा का नाम लिया जाता है। बग्गा जी, ऐसे मालूम चला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह पढ़ाकर भवन में आपके खिलाफ कर रही हैं? क्या मेरे खिलाफ उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा मैं वाराणसी व्यापार मंडल छोड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई रह सकता है, कोई जा सकता है, मेरा कोई आरोप किसी के ऊपर नहीं है। आपने छोड़ दिया, मैंने नया अध्यक्ष बना दिया, यहाँ तो लाइन लगी हुई है, लोग आने के लिए तैयार हैं, और पूरे मेरे को लगता है इंडिया के अंदर बनारस ही एक ऐसा शहर है जहाँ 2 महिला मंडल चलता है, 2 युवा मंडल चलता है, बाकी शाखाएं तो है ही। जाने से कोई हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, हम न्यायप्रिय आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, मैं कभी किसी के साथ ना गलत करता हूँ ना किसी के साथ अन्याय करता हूँ। लोग हमारे यहाँ अपनी इच्छा से जुड़ना चाहते हैं, अपनी इच्छा से रहते हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी मेरे यहाँ 2 संगठन शायद 1 हफ्ते के अंदर फिर ज्वाइन करने वाले हैं, और मेरी जिला के अंदर भी 10 संगठन चल रहे हैं, कपसेटी से लेके राजा तलाव से लेके हाथी बाजार से लेके जनसा से लेके जिधर ताकेंगे उधर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा और उनकी टीम का ही नाम नजर आएगा। आज आपको जो पदवी मिली है क्या कहेंगे इस पदवी में? जी, मैं इस पे यही कहूंगी कि सर ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं उस पे मैं हमेशा अमल रहूंगी। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पता लगा कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं,
आगे चल के आपको भी ऐसा कभी करने का मौका मिलेगा तो क्या कहेंगे? ऐसा मुझे कभी मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग सर के ही सिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा नौबत कभी आएगा। आज आपको पूर्वांचल व्यापार मंडल का अध्यक्ष चुना गया है, महिलाओं के हित के लिए क्या कार्य करेंगी जो महिला व्यापारी है? सब कुछ, जहाँ भी मुझे खड़े होना होगा महिलाओं के लिए, मैं रात दिन हमेशा खड़ी रहूंगी।